हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं चना चाट बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए कि काला चना मैंने लिया है, एक टमाटो चॉप किया हुआ, लेमन एक लिया है मैंने, एक प्याज जिसे मैंने पूरा छोटा छोटा काट लिया है, ये देखिए, गाजर एक गाजर का आधा मैंने ग्रेट कर लिया है, कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिली, ये दो ग्रीन चिली है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर और मिक्स हर्ब्स। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ, मेरा वीडियो आप पूरा देखिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है। अब मैं ये चना को इसमें डाल दूँगी। हम इसमें ज़रूरत के अनुसार पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें नमक डालते हैं। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। पहले हाई पर देंगे, उसके बाद हम मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 सीटी आने तक पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चना जो है वो अब बॉयल हो चुका है, सीटी भी आ चुका है इसका। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं, लेकिन उसका गैस जाने तक हम वेट करते हैं। मैं एक दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इस तरह पकना चाहिए। अब हम चाट बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा सेव डाला है, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा गाजर, थोड़ा सा ग्रीन चिली, थोड़ा सा जिंजर पाउडर। इसमें एक एक पिंच ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। थोड़ा सा चाट मसाला, चाट मसाला मैं और थोड़ा सा डालूंगी इसमें, क्योंकि इससे ही इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स। लास्टली मैं इसमें धनिया डालूंगी। ये देखिए, अब हमारा चना चाट रेडी हो चुका है, लेकिन फिर भी इसमें एक चीज कमी है, मैंने इसमें नहीं डाला है। ये देखिए, मैंने इसमें लेमन डाल देती हूँ, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अब पूरी तरह हमारा चाट रेडी हो गया है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और आपका अनुभव मेरे चैनल पर शेयर कीजिए।